नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए दोस्तों नई वीडियो, नई जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आइए शुभम गुप्ता की कहानी हम आपको सुनाएंगे। शुभम गुप्ता जी दोस्तों राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। शुभम गुप्ता के पिताजी दोस्तों जूते का कारोबार करते हैं। उनका बिजनेस जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में है। घर की दोस्तों माली हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा दोस्तों पिता की मदद के लिए शुभम भी महाराष्ट्र आ गए और दोस्तों शुभम अपने पिता के जूते की दुकान पर काम करने लगे। आपको बता दे दोस्तों तीनों भाई बहनों में सबसे छोटे शुभम थे और दोस्तों उनकी बहन। इन दोनों को दोस्तों स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता था। दोनों लोग दोस्तों प्रतिदिन स्कूल ट्रेन से आया जाया करते थे। आपको बता दे दोस्तों ट्रेन में आने जाने के दौरान शुभम अपनी पढ़ाई ट्रेन में भी जारी रखते थे। शुभम दोस्तों तब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और दोस्तों उनके बड़े भाई IIT की तैयारी के लिए बाहर रहते थे। 10वीं में दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन के बाद लोगों ने दोस्तों शुभम को साइंस साइड से पढ़ने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों वह शुरू से ही कॉमर्स करना चाहते थे तो दोस्तों इसी स्ट्रीम से वह आगे की पढ़ाई जारी रखी। और दोस्तों उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर दोस्तों उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनका एडमिशन वहां नहीं हो सका। इसके बाद दोस्तों उन्होंने किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर वहीं से दोस्तों उन्होंने ग्रेजुएट और दोस्तों MCOM पूरा किया। शुभम के पिताजी ने दोस्तों उन्हें UPSC की परीक्षा के शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दे दोस्तों घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से शुभम ने दोस्तों बचपन से ही संघर्ष किया है। दोस्तों जब शुभम स्कूल से आते थे तो 4 बजे तक दोस्तों वह दुकान पर पहुंच जाते थे और दोस्तों रात तक वहीं रहते थे और ऐसा होता था कि दोस्तों वो वहीं कुछ समय निकालकर पढ़ाई भी कर लिया करते थे। तब दोस्तों शुभम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक यानी दोस्तों करीब 5 साल उन्होंने ऐसे ही अपना जीवन जिया। इसी वजह से ना दोस्तों उनके दोस्त बने, ना उन्होंने दोस्तों कोई स्पोर्ट्स खेला, क्योंकि दोस्तों उनके पास इन सब के लिए समय ही नहीं था। शुभम ने दोस्तों अपनी 10वीं की क्लास काफी अच्छे अंकों से पास की है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने आगे की पढ़ाई MCOM किया। MCOM करने के बाद दोस्तों शुभम ने UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। शुभम ने दोस्तों पहली बार 2015 में UPSC की परीक्षा दी थी, लेकिन दोस्तों वह प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद दोस्तों दूसरे प्रयास में उनका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन दोस्तों 366 रैंक होने के कारण उनको मनचाही पोस्ट नहीं मिल पाई। उन्हें उस वक्त दोस्तों इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस में चुना गया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरी बार 2017 में फिर से परीक्षा दी, लेकिन दोस्तों उनका चयन इसमें भी नहीं हो सका। ये पल दोस्तों उनके लिए हताशा का था, लेकिन दोस्तों अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह एक बार फिर से जुट गए और दोस्तों 2018 में चौथे प्रयास में शुभम ने दोस्तों 6वीं रैंक हासिल करके अपना सपना पूरा किया और दोस्तों बन गए IAS ऑफिसर। अंत में दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखें, जीवन जंग से कम नहीं है। इस जंग में आप तभी जीत सकते हैं दोस्तों जब आप पूरी मेहनत करेंगे। यह मत सोचे कि आपको अपनी मेहनत का फल कब मिलेगा, बस मेहनत करते जाएं। आपकी मेहनत दोस्तों एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है और गहरी हो तो सबको भाती है। अगर मेहनत नादान हो तो टूट जाती है और अगर दोस्तों मेहनत लगन के साथ की जाए तो इतिहास रच जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे नॉलेजबल और मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।